दोस्तों वेलकम टू यूनिक इलेक्ट्रिकल। यूनिक इलेक्ट्रिकल में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो मशीन से रिलेटेड है, और मशीन से जो सिंगल फेज मोटर है उससे क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जो स्टूडेंट थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहते हैं उसमें कि अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन उसमें चेंज होता, जनरली लोग बोलते हैं कि सिंगल फेज मोटर का क्वेश्चन सब रट्टू तोता की तरह आता है, लेकिन थोड़ा सा अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट किया जाए तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन दार क्वेश्चन जो होता है सिंगल फेज मोटर का आता है। तो सिंगल फेज मोटर जो है हम लोग सेमेस्टर टाइम भी उतने अच्छे से कवर नहीं हो पाया था, तो इसलिए हम लोग जो भी यहाँ बात करेंगे वो सिंगल फेज मोटर का बात करेंगे। आइए अब हम लोग सिंगल फेज मोटर पर चलते हैं। अगर हम लोग बात करें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, तो मेरा जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में हम कुछ बताते हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स आर इन वेरी वाइड यूज इन इंडस्ट्री, मेरा इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है, स्पेशली इन फ्रैक्शनल हॉर्स पावर फील्ड। अब देखिए बात जो आता है कि फ्रैक्शनल हॉर्स पावर फील्ड क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोग को बता सकते हैं कि फ्रैक्शनल कहने का मतलब क्या आता है कि मेरा वो सब क्या है, मेरा फ्रैक्शनल रहेगा और हॉर्स पावर रेंज रहता है, यानी कि इसका जो रेटिंग की बात किया जाए तो इसका KW रेटिंग वो 5 से कम रहेगा और ये क्या आएगा फ्रैक्शनल HP में रहेगा, ये बात ध्यान रखना है। तो क्या हुआ है कि स्पेशली इन फ्रैक्शनल हॉर्स पावर फील्ड। उसके बाद आगे हम लोग बात करें तो कि दे आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर इलेक्ट्रिक ड्राइव, मैंने इसका थोड़ा सा ज़्यादा यूज किस में होता है, इलेक्ट्रिक ड्राइव। और इलेक्ट्रिक ड्राइव में भी कहाँ यूज होगा, तो जहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव में बात करते हैं तो वो बात करेंगे किसका, तो मेरा जो बात आएगा वो मेरा आएगा किसका, लो पावर का बात आएगा, यानी कि लो पावर। अभी हम बोल रहे थे किसका बात आएगा, मेरा जो बात आएगा वो मेरा आएगा लो रहना चाहिए, पावर मेरा क्या रहना चाहिए, लो पावर कॉन्स्टेंट स्पीड, मैंने लो पावर क्या रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट स्पीड का रहना चाहिए, मैंने उसका स्पीड रहेगा कॉन्स्टेंट स्पीड का रहेगा और मेरा क्या रहेगा लो रहेगा, मैंने उसका लो पावर इस कॉन्स्टेंट स्पीड का क्या रहना चाहिए, मोटर रहना चाहिए, वहाँ इसका उपयोग करते हैं। अब जब हम बात करते हैं लो पावर कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर का, तो उस मोटर में मेरा क्या आएगा, तो मेरा मशीन टूल हो गया, डोमेस्टिक अपार्टेस हो गया, एग्रीकल्चर मशीन हो गया, ये सब जैसा भी मेरे पास आया वो मेरा क्या है कि मेरा लो पावर कॉन्स्टेंट स्पीड का मोटर है। मशीन टूल में मेरा जो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि मशीन टूल में जो मोटर यूज करते हैं वो मोटर क्या रहता है, तो मेरा जो मोटर रहेगा वो मेरा लो पावर कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर रहता है। अब अगर हम आगे बात किया जाए सिंगल फेज में, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का डिमांड जो है मेरे पास ज़्यादा डिमांड है, जो हम लोग सब जानते हैं कि सिंगल फेज में इंडक्शन मोटर का ज़्यादा डिमांड आता है, और ज़्यादा डिमांड के साथ इसमें इसका क्या है कि इसका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो है कॉस्ट ज़्यादा है। इसका मतलब मेरे स्टूडेंट फंसता कहाँ है कि इसका फ्रैक्शनल HP रेंज हो गया, स्मॉलर साइज हो गया, जब स्मॉलर साइज हो गया तो बोला जाता है कि इसका कॉस्ट भी कम, लेकिन यहाँ एक ही बात यहाँ पर बात आ जाता है कि मेरा जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसका जो कॉस्ट रहेगा वो कॉस्ट मेरा क्या रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा रहता है अकॉर्डिंग टू थ्री फेज इंडक्शन। लेकिन जब हम बात करेंगे किसका, अगर हम आउटपुट सेम का बात करेंगे तब वहाँ बात होगा, और इसका पावर फैक्टर भी लो होता है। अगर हम इसका एफिशिएंसी का बात किया जाए तो इसका एफिशिएंसी भी क्या होता है, लो होता है, ठीक है। अगर हम बात किया जाए कि अब कितना कितना टाइप का मेरे पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जनरली जो होता है मेरे पास तीन टाइप का बांटा गया। सबसे पहला पार्ट जो बोला गया उसको बोला गया सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंतर्गत मेरा जो टाइप बांटा गया वो बांटा गया है मेरे पास चार टाइप में बांटने का तरीका इसलिए हुआ क्योंकि जब मेरा जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है उसका जो होता है अपना जो होता है उसका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होने का कारण क्या है, कारण है कि जैसे कि मेरा जो कुछ भी चीज़ मेरा स्टार्टिंग आना चाहिए, जैसे कि मेरा जो स्टेटर के पास जो मेरा रोटेटिंग फ्लक्स आता है, यानी जो फ्लक्स मेरा रोटेटिंग फ्लक्स जो आता है स्टेटर के पास, वो ऐसा नेचर के नहीं रहने के कारण इसमें सेल्फ स्टार्टिंग नहीं आ पाता। अब जब सेल्फ स्टार्टिंग नहीं आ पाता है तो मेरे पास क्या चाहिए कि नेचर जो रहना चाहिए उसका रोटेटिंग नेचर को बनाना है किसको, तो हम बनाना है किसको बनाना है, फ्लक्स को बनाना है। अब हमको किसका बनाना है, फ्लक्स को हमको रोटेटिंग नेचर, जब हम फ्लक्स को रोटेटिंग नेचर को बनाना है उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए कि मेरा दो एंगल का बीच जो मैंने दो मेरा जो है दो जो मेरा रहता है स्टेटर और एक मेरा रहता है मेरा रोटर बाइंडिंग, तो स्टेटर रोटर बैंक के बीच एंगल मेरा कितना हो जाए 90 होना चाहिए। 90 होने से क्या फ़ायदा है कि इसमें थोड़ा सा सेल्फ रोटेटिंग फ्लक्स आएगा जिसके कारण क्या होता है थोड़ा सा उसमें स्टार्टिंग क्या आएगा आ सकता है। तो अभी हम इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, इसको थोड़ा थोड़ा प्रकार में कुछ कुछ इसमें रेसिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस को मिलावट से
मोटर को डेवलप किया गया है, जिसमें नाम पहला मोटर का नाम दिया गया सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर को चार टाइप, रेसिस्टेंस स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट और परमानेंट स्पिल्ट कैपेसिटर। देखिए परमानेंट स्पिल्ट कैपेसिटर मोटर कहने का मतलब क्या होगा, इसमें दो कैपेसिटर, एक हटेगा फिर एक काम करेगा। इसमें टू वैल्यू मोटर में दो दोनों रहेगा, इसमें परमानेंट एक रहेगा, इसमें दोनों रहेगा। ठीक है, दोनों परमानेंट जरूरी नहीं है, एक 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 लगा रह सकता है, एक हट भी सकता है, जरूरी नहीं है इसमें। अब आगे बात किया जाए तो आगे हम लोग बात करेंगे तो आगे हम बात करेंगे सिंगल फेज सेडर पोल इंडक्शन मोटर। सेडर पोल इंडक्शन मोटर का शेप कैसा रहता है, ऐसा मेरे पास रहता है और इसमें क्या कहता है, कुछ पोर्शन क्या रहता है, सेडेड क्या रहता है। सेडेड कहने का मतलब समझ लो छाया, छाया मतलब क्या कि अगर यहाँ पर रोटर यहाँ रहता है तो ये वाला भाग जो रहेगा ना, सिर्फ और सिर्फ ये वाला भाग यहाँ उसको क्या करता है, सेडेड करने का काम करता है। ये पूरा रोटर को क्या करने लगता है, सेडेड करने का काम करता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि सेडेड पोल इंडक्शन मोटर है। आगे हम लोग बात किया जाए तो आगे बात करता है तो रिलक्टेंस स्टार इंडक्शन मोटर। रिलक्टेंस स्टार इंडक्शन मोटर कहने का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, जो मेरा रिलक्टेंस आता है, ठीक है, जो मेरा रिलक्टेंस आता है लो म्यू ए, जो मेरा रिलक्टेंस है वो मेरा रिलक्टेंस क्या करता है, उसके कारण जो मेरा होता है मोटर के इंडक्शन मोटर स्टार्ट करता है, उसके लिए हम बोला जाता है कि रिलक्टेंस स्टार्ट मोटर। आगे बात करें रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ये दोनों मोटर जो होता है बहुत और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे पार्ट बाय पार्ट में। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात किया जाए तो नेक्स्ट मेरे पास आता है कम्यूटेटर टाइप सिंगल फेज मोटर। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है इससे भी आता है छोटा छोटा एग्जाम में कि मेरा रिपल्सन मोटर, ऊपर था रिपल्सन स्टार्ट, यहाँ मेरा रिपल्सन मोटर जो है, सॉरी ऊपर जो था मेरा रिपल्सन स्टार्ट नहीं करके क्या था, रिलक्टेंस मोटर था और एक रिपल्सन स्टार्ट मोटर भी था, इंडक्शन मोटर जिसको कहते हैं। एक हम बात करें यहाँ रिपल्सन मोटर, रिपल्सन मोटर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करता है कि रिपल्सन मोटर कौन टाइप का मोटर है, तो कम्यूटेटर मोटर है। एक SSC जेम एग्जाम में क्वेश्चन आया था यूनिवर्सल मोटर कैसा मोटर है, तो कम्यूटेटर मोटर है। AC सीरीज मोटर कैसा मोटर है, तो कम्यूटेटर मोटर है। रिपल्सन इंडक्शन मोटर कैसा मोटर है, तो कम्यूटेटर मोटर है। अगर हम आप अभी थोड़ा सा इसमें डिफरेंस नहीं समझ रहे होंगे, रिपल्सन स्टार्ट मोटर, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर और रिपल्सन इंडक्शन मोटर में, तो इसका डिफरेंस हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम लोग बात किया जाए उसके बाद बात आता है सिंगल फेज मोटर का। तो सिंगल फेज मोटर का अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंगल फेज मोटर का तीन टाइप कौन कौन टाइप, तो रिलक्टेंस मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर और सब सिंक्रोनस मोटर। अभी एक नया मोटर आप सुने होंगे या फिर पढ़े होंगे जिसका नाम है सब सिंक्रोनस मोटर। जो ये मोटर है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे क्वेश्चन थोड़ा कम आता है, लेकिन हम इसका डिस्कशन करेंगे क्या है सब सिंक्रोनस मोटर, इसका हम पूरा पूरा इसका हम थोड़ा सा बारे में बता देते हैं सब सिंक्रोनस मोटर के बारे में। सुन लीजिए, व्हेन द मोटर हैज ए रोटर, व्हेन द मोटर हैज ए रोटर दैट हैज़ एन ओवरऑल सिलेंडिकल आउटलाइन। इसका जो आउटलाइन रहेगा रोटर का वो पूरा पूरा कैसा रहना चाहिए, सिलेंडिकल रहना चाहिए। एंड एट इज टूथेथ एज ए मिनी पोल ए साइलेंट पोल रोटर इट इज सब सिंक्रोनस मोटर। मैंने कहने का मतलब इसमें क्या है कि वैसा मोटर, अब देखिए कि मेरा हम इसका फिगर थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, अब मेरे पास उतना अच्छा नहीं बन पाएगा कि ऐसे समझ रहे हैं, ये इस आकार का यही बता रहा है कि उसका जो ओवरऑल सिलिंड्रिकल आउटलाइन है, अगर हम आउटलाइन करें तो पूरा सिलिंड्रिकल आउटलाइन रहेगा। और इसका देखिए टीथ है, इसके पास टीथ है और इसका जो बहुत पोल, इसका जो रोटर पोल रहेगा कैसा बिहेव करेगा, साइलेंट पोल की तरह बिहेव करेगा। इसको हम क्या कहते हैं, सब सिंक्रोनस मोटर। थैंक यू गाइज, बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो तक, आते हैं वीडियो नंबर पार्ट 1। थैंक यू।